असलम एवरी वन क्या हालचाल है आप सबके आप सबको मेरे चैनल पे खुश आहमदी तो आज थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद मैं वापस आ गई हूँ और थैंक यू सो मच मुझे बहुत बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे तो आप सबका प्यार है मैं थोड़ी सी भी ब्रेक पे जाती हूँ तो फिर उसके बाद मैं फ़ौरन वापस आ जाती हूँ खैर जी थैंक यू सो मच अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे आबाद रखे यूट्यूब पे भी मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम पे भी तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे आमीन सोमा आमीन अच्छा जी यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ स्टेक्स और आज मुझे हस्बैंड ने कहा कि मुझे जो मशरूम वाला वाइट सॉस होता है ना वाइट सॉस बड़ा मज़े का लगता है हम दोनों को तो उन्होंने कहा कि आज वो स्टेक्स बना के दो तो मैंने कहा चलें ठीक है तो अभी जो है ना वो मैंने एक रात पहले ही इसको अभी सारा मैरिनेट करके और मैं फ्रिज में रख दूँगी अच्छा जी आप जब भी चिकन लेते हैं इस तरह से उसको काट लें और उसके बाद उसको थोड़ा सा हैमर से कोई भी आपके पास इस तरह की चीज़ हो तो थोड़ा सा आप इस तरह फ्लैट कर लेते हैं ना तो स्टेक्स बहुत अच्छे बनते हैं एक तो अंदर तक मसाला चला जाता है दूसरा ये होता है कि आप अगर इस तरह से स्टेक्स बनाते हैं ना तो आपने देखा होगा चिकन बहुत ही अजीब सा सुखड़ जाता है तो स्टेक्स के लिए इस तरह से अगर आप इसका रेशा तोड़ते हैं तो बहुत अच्छे स्टेक्स बनते हैं अच्छी तरह से हैमर से इसको मैंने प्रेस कर लिया इसका रेशा तोड़ दिया ये देखें आप और उसके बाद जो है ना अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी तो ये मैंने दो लिए हैं इनको मैंने इस तरह से फ्लैट कर दिया है उसके बाद अब मैं इनकी मैरिनेशन जो है वो बना लूँगी थोड़ा सा मैंने विनेगर लिया है इसमें मैंने वोस्टर शायर सॉस डाला है अच्छा आप कोई भी स्टेक्स या इस तरह की चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें ये बहुत अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा आई एम sure श्योर आपको बहुत पसंद आएगा अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह सोया सॉस भी डाल सकते हैं लेकिन ये अगर हो तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा इसमें मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा लहसन पाउडर डाल दिया है थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है और लहसन पाउडर में डाल रही हूँ अगर नहीं आप फ्रेश लहसन भी डाल सकते हैं और साथ इस में इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च इससे जो है ना वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा मैं औरगानो डाल रही हूँ क्योंकि वाइट सॉस जो बनाऊँगी तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है ये देखें जी सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से और उसके बाद जो है ना मैं चिकन को मैरीनेट कर लूँगी आप जितनी देर चिकन को ज़्यादा मैरीनेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका टेस्ट अच्छा आएगा अदरवाइज ये है कि अगर आप इसको थोड़ी देर पहले आधा घंटा एक घंटा पहले भी लगा के रख देते हैं तब भी ये बहुत अच्छा बनता है मैं इस कंटेनर में इसलिए रख रही हूँ कि अभी मैंने इसको फ्रिज में रख देना है तो इस तरह से ये है कि ओवरनाइट जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा तो खैर ये चीज़ें आप बाहर जाके खाते हैं तो बहुत कॉस्टली आपको पड़ती हैं लेकिन यह कि घर में अगर आप बना के फैमिली के साथ एंजॉय करें तो आई एम श्योर आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा इंजॉय करेंगे घर का खाना भी बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में तो ये देखें जी मैरिनेशन हो गई है और अब इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में फ्रीज़र में नहीं रख रही फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि कल मैं इसको इनशाला ताला बनाऊंगी और अब ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी मैंने अपना नाश्ता बनाया अपने लिए और हस्बैंड के लिए तो आज नाश्ते में जो है ना वो मैंने प्याज टमाटर के अंडे बनाए हैं क्योंकि हम लंच नहीं करते तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़रा हैवी नाश्ता बना लेती हूँ अगर हमने लंच ना करना हो उसके साथ चने भी बॉयल हो गए हैं और यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी हूँ तो रोटी जो है ना वो भी आलमोस्ट बन गई है चाय भी बन गई है और अभी हम दोनों मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा नाश्ता करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि वेदर कंपैरेटिवली अच्छा है तो इस वजह से इस तरह के नाश्ते किए जाते हैं हाँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है अभी तो मुझे सब कह रहे हैं कल मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे भी इवन के घर भी बात हुई थी तो सब कह रहे थे कि इस बार बहुत गर्मी है इवन इस्लामाबाद में भी मैं सुन रही थी कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो अल्लाह तैर करे यहाँ पे वेदर अच्छा है ना तो इसलिए इस तरह के नाश्ते भी अच्छे लगते हैं अब गर्मी ज़्यादा हो तो जाहिर है फिर इस तरह के नाश्ते जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं किए जाते तो खैर हम लोग तो अभी ये मज़ेदार सा नाश्ता इंजॉय करेंगे और ये देखिए मज़ेदार से अंडे भी रेडी हो गए हैं एग्स को अपनी डाइट में ज़रूर ज़रूर आप ऐड किया करें क्योंकि प्रोटीन है और प्रोटीन आपके लिए बहुत अच्छा है बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं इवन आपको फुल भी रखता है आपको एनर्जी भी देता है तो इसलिए कोशिश किया करें आपको पसंद हों या ना हो आप ज़रूर अपनी डाइट में स्पेशली ब्रेकफास्ट में ज़रूर इनको ऐड किया करें तो खैर जी मैं भी नाश्ता कर रही थी उस्मान को आवाज़ें दे रही थी लेकिन वो आ नहीं रहे थे तो मैंने फिर बिसमिल्ला करके नाश्ता स्टार्ट कर दिया और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ घर के कामों पर क्योंकि मुझे आज काफ़ी सारे काम करने थे इसलिए मुझे जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करके और काम कर लूँ खैर जी कंटेनर्स जो रखे हुए थे उनको मैंने फ़िल किया अभी मैं इन ताला डाइनिंग टेबल की सेटिंग भी बहुत जल्दी चेंज करूँगी मेरा दिल चाह रहा है लेकिन मेरे पास अभी कोई शीट नहीं है और मैं जो ऑनलाइन देख रही हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका साइज़ क्या है क्योंकि इतने ज़्यादा साइजेज़ आ रहे होते हैं चलो वैसे तो आप फ़ोटो देख के मंगवा लेते हैं लेकिन साइजेस का मुझे आइडिया नहीं हो रहा और अभी मेरा जाना नहीं हो रहा तो इन श्ल्ला जाऊँगी तो देखूँगी या फिर मैं वुड की रख लूँगी इन शाला वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी खैर जी सारे वो काम हो गए उसके बाद किचन में मैं आ गई किचन का काम तो आपको पता है कभी भी ख़त्म नहीं होता तो मैंने सोचा कि चलो मैं चूल्हे पे फॉइल लगाती हूँ मैंने इसको सारा साफ़ कर लिया और उसके बाद आप देखें मैंने यहाँ पे फॉइल लगा दी है बस उसके बाद ये चने भी बन गए थे अभी इनको मैं कंटेनर में डाल के और रख दूँगी फ्रिज में तो ये हमारे दो चार दिन आराम से चल जाते हैं अच्छा चने जो है ना किसी को सूट करते हैं किसी को नहीं करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छे लगते हैं हमें सूट करते हो तो किसी और को भी करते हो क्योंकि मुझे आते हैं तो ये डिपेंड करता है हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है हर इंसान की पसंद नापसंद डिफरेंट होती है तो मैं जाहिर है व्लॉग शेयर करती हूँ अपने घर की अपनी रूटीन तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो बस अब थोड़ी सी क्लीनिंग मैंने करनी थी वो मैंने कर ली और उसके बाद अब मैंने कहा कि देखूँ और कौन कौन से कंटेनर्स मैंने फिल करने हैं क्योंकि मैदे का ये जो कंटेनर है ये भी मैंने वॉश करके रखा था अभी ड्राई हो गया था तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं फुल करके रख देती हूँ कब क्योंकि अभी इन शाला तला मैं बेकिंग भी करूँगी बहुत दिनों से मैंने केक वगैरह भी नहीं बनाया था इस तरह की चीज़ें भी नहीं बनाई थी तो मैंने कहा इन शाला तलब बेकिंग करूँगी तो चलो ये चीज़ें भी साथ साथ सेट कर लूँ आप जब बाहर जाते हैं आप घर जितना भी सेट करके जाएँ लेकिन जब आप वापस आते हैं आप पाकिस्तान से भी चीज़ें लेकर आते हैं फिर उसके बाद एक ये चीज़ होती है कि आपको अपने घर की चीज़ों को भी सेट करना होता है तो खैर इंसान बहुत इंजॉय करता है मज़ा आता है अगर आप काम को एंजॉय करके करें तो फिर आपका दिल भी लगा रहता है और आप वाकई एंजॉय करते हैं आप बोर नहीं होते काम से और आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है तो इसको अब मैं रख लूंगी और ताला अभी हम बेकिंग भी करेंगे उसके बाद जो ये वाला भी कंटेनर मैंने वॉश करके रखा था पत्ती वाले में तो मैंने पत्ती डाल दी थी लेकिन इसमें अब मैं चीनी डाल के रख रही हूँ और यहाँ पे वो दूसरे कंटेनर्स अच्छे तो बहुत लगते हैं लेकिन अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना तो उसमें फिर ये होता है कि जंग लग जाता है क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा होती है मेरे घर में तो स्पेशली तो, तो ये देखें जी बस ये चीनी भी मैंने डाल दी और इसके बाद अब मैं इसको रख लूँगी अच्छा मुझे लग रहा था कि मैंने पत्ती वाला पहले फ़िल कर दिया सॉरी मैं अभी फिल कर रही हूँ मुझे लगे शायद मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया होगा फिर जी ये दोनों फिल हो गए कल मैंने वॉश किए थे मुझे याद आ गया कल मैंने वॉश किए थे अभी मैं इन दोनों को फिल करके और इनको मैं रख दूंगी उसके बाद जी सूजी का जो कंटेनर था मैंने कहा वो भी मैं फिल कर लेती हूँ मैं एक्चुअली गई थी स्टोरेज में मैं देख रही थी कौन कौन से पैकेट्स खुले हुए हैं क्या क्या रखा हुआ है तो सारे कंटेनर्स मैं बारी बारी करके और रिफिल कर रही हूँ अच्छा जी ये है सूजी सूजी का हलवा हमारे घर में बनता है थोड़ी क्वांटिटी में ही बने लेकिन बनता है तो इस वजह से मैं किचन में जो है ना वो रखती हूँ बाकी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में यूज़ नहीं करती हूँ हाँ कुछ चीज़ें मैं बनाती हूँ जो रेगुलर सूजी उनमें यूज़ होती है जैसे मैंने पिज़्ज़ा बना लिया और उसके अलावा हलवा बनता है और भी एक दो चीज़ें बनती हैं लेकिन बाकी जो है ना वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है जैसे रेगुलर हम खाने बनाते हैं देसी खाने बनते हैं तो खैर फिर भी हलवे तो बनते हैं तो मैंने कहा चलो जी इसको भी रीफिल कर लेते हैं और रख लेते हैं और पैकेट मैंने आपको दिखाया वैसे तो जो भी मिल जाती है ले लेती हूँ क्योंकि कभी जाओ तो ये नहीं मिलता कभी जाओ वो नहीं मिलता तो खैर जो मिलता है ले लेती हूँ इस बार मैं ये लेकर आई थी अब जी मैंने कपड़े वॉश करने थे और यहाँ पे मैं लॉन्ड्री करने लगी हूं तो कपड़े आप देखें काफ़ी सारे जमा हो गए थे अच्छा आप जितना भी वॉश करते रहें जितना भी आप कहें ना कपड़े जमा ना हो लेकिन हो ही जाते हैं खैर मैं तो वैसे भी थोड़े से इतने जमा कर लेती हूँ क्योंकि जो वाइट वाले होते हैं वो इकट्ठे वॉश करती हूँ कलर्ड इकट्ठे करती हूँ समटाइम ब्लैक इकट्ठे करती हूँ तो इसलिए फिर थोड़े से इतने तो जमा कर ही लेती हूँ दो ही लोग हैं हम लोग तो इस वजह से अब मैंने कहा चलो कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ इससे ज़्यादा मैं नहीं करती ये मैक्सीम होते हैं बस जी सारा टाइम मेरा काम करते हुए गुजर गया उसके बाद अब मैं यहाँ पे यखनी पी रही हूँ अभी आ, मैं आ गई थी किचन में क्योंकि अभी असर का टाइम था तो इस टाइम पे चाय हमारे घर जैसे शाम की चाय बनती है ना इस टाइम बनती बनती आज उस्मान भी घर में है तो इसलिए चाय हम दोनों को बहुत अच्छी लगती है और शाम की चाय तो हर घर में मेरे ख्याल में मोस्टली बनती है और शाम की चाय की खुशबू जो होती है जो अरोमा आ रहा होता है और जो एक फीलिंग्स होती है ना वो अपनी मज़े की होती हैं तो खैर अभी जो है ना हम चाय पी रहे थे मैं थोड़ी देर रेस्ट करने ज़रा बैठ गई थी अभी मैंने कहा बाकी फिर किचन में जाके काम स्टार्ट करूंगी और आपको मौसम भी दिखा देती हूँ एज़ यूजल बादल तो आ जा रहे होते हैं लेकिन मौसम जो है ना वो अभी माशाला से अच्छा है थोड़ी सी धूप भी निकली हुई थी लेकिन अनप्रडिक्टेबल है कोई पता नहीं होता किसी टाइम भी बारिश शुरू हो जाए बादल तो यहाँ बहुत ही तेज़ी में आते जाते हैं कुछ बहनों को अच्छा लगता है कि विंडो से आप व्यू दिखाया करें मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ आज मैं जो बना रही हूँ मेन डिश वो है जी चिकन स्टिक्स और उसके साथ वाइट सॉस जो मशरूम सॉस होता है ना वो मैं बनाऊँगी और वो बहुत मज़े का बनता है चीज़ी सा बनता है बहुत अच्छा लगता है तो खैर वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आलू काट के और रख रही हूँ इनको मैं डीप फ्राई नहीं करती कोशिश करनी चाहिए जहाँ पर जो चीज़ आप जितनी कंट्रोल कर लें अब ज़ाहिर है हम देसी खाने खाते हैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन मैंने कहा डीप फ्राई से अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो हल्का सा बॉईल करके हाफ डन करके फिर एयर फ्रायर में रख लूँगी अच्छा जी पैन में मैंने बटर डाला है और इसमें जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो के स्टार्ट में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था तो ये मैं यहाँ पे इनको पैन में डाल रही हूँ आप बटर में कुक करेंगे ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिएगा ओवरनाइट रखने से इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है बस जी ये तो खैर इतना टाइम क्या इन्होंने लेना है बोनलेस है बहुत जल्दी बन जाता है मैंने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा है ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना पक जाए इसमें जो सिरका डाला था ना उससे ये बहुत ही जूसी सॉफ्ट और टेंडर से बनते हैं तो ये जो है ना वो आप देखें थोड़ा सा मैंने ढक के रख दिया था इस तरह से अगर आप स्मोकी फ्लेवर देना चाहें तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं मैं तो पैन में बना रही हूँ जल्दी बन जाता है और मज़े का भी बन जाता है तो समाइम ये होता है किसी के पास ग्रिल पैन नहीं होता ओवन नहीं होता कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ कि आप लोग पैन में भी बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं अब जी आलू हाफ़ डन हो गए थे हाफ़ बॉयल हो गए थे तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा मैदा थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है गार्लिक पाउडर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा मैं बटर डाल रही हूँ आप इस पर चाहें तो नमक डाल दें आप इस पर चाहें तो काली मिर्चें डाल दें जो आपको अच्छा लगता है आप इस पर डालें हर्ब्स डाल दें आपकी अपनी मर्जी है जैसा टेस्ट आपको पसंद हो तो मैंने ये चीज़ें इस पर डाली थी और मैं एक और भी लेकर आई थी पाउडर मैं आपको इन शाह दिखाऊंगी वो भी मैंने कहा था मैं इन शाला ट्राई करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी पाकिस्तान से जो मैं मसाले लेकर आई थी ना तो आ, मुझे एक दो कमेंट्स आए थे मुझे हंसी भी बहुत आई थी कि क्या ये चल जाएंगे इतने ज़्यादा या कितना अर्सा चलेंगे मैं जस्ट टेस्ट के लिए छोटे छोटे पैकेट्स लेकर आई थी बस मुझे पाकिस्तान के टेस्ट को फ़ील करना था बाकी ऐसी कोई बात नहीं है यू में भी बहुत बहुत बल्कि यूके में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं लेकिन खैर हर जगह का अपना मज़ा हम पाकिस्तानी हैं तो हमें वहाँ की चीज़ वहाँ का फूड बहुत अच्छा लगता है तो खैर वो मैं आपको इन शाला तला दिखाऊँगी अब यहाँ पर मैंने इनको डाल दिया है मिक्स करके ना एयर फ्रायर में डाल दिया उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बटर डाल रही हूँ और थोड़ा सा ऑयल भी स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि बटर अभी मेल्ट होगा तो उसके साथ टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा अब जी बना लेते हैं आ, वाइट सॉस और ये इतना मज़े का बनता है ना आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अच्छा जो लोग बनाते रहते होंगे जिनको अच्छा लगता होगा आई एम श्योर वो तो बहुत ही इन्जॉय करते होंगे अगर आपने कभी नहीं बनाया ना तो आप ज़रूर बना के देखिएगा तो मैंने बटर और ऑयल लेके एक चम्मच डाल लें आप मैदे का है, दो चम्मच डाल लें लेकिन उसी हिसाब से आपने फिर दूध भी ऐड करना है तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मैदे को पका लिया ताकि कच्चापन खत्म हो जाए और थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड करना है बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना इससे ये होता है कि लम्ब से बन जाते हैं फिर आपका वाइट सॉस सही नहीं होता अच्छा मैंने जो है ना ये इलेक्ट्रिक ले लिया बीटर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरी एफ़र्ट लग रही थी तो इससे मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाएगा एक फैसिलिटी है तो जब आपके पास कोई फैसिलिटी हो तो उसको ज़रूर यूज़ किया करें अवेल किया करें हम इसीलिए ये छोटी छोटी मशीनें लेते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो अच्छा जी ये है मसाले जिसमें नमक है वाइट पेपर ब्लैक पेपर और और उसके साथ लहसन पाउडर लेके और मैंने डाल दिया था इसमें तो बस अब मैंने ये विस्क ले लिया उस टाइम जो ज़्यादा मेहनत वाला काम था तो मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया था अच्छा जी तो ये हैं जी मशरूम्स और मशरूम्स मैंने डाल दिए हैं इसमें आप फ्रेश भी डाल सकते हैं आप फ्रोज़न भी डाल सकते हैं मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिए थे तो बस वाइट सॉस हमारा अभी रेडी होने वाला है इसमें सिर्फ मैंने चीज़ ऐड करनी है अब जी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बटर में नमक थोड़ा सा लहसन पाउडर थोड़ी सी वाइट मिर्च ये जी अभी बनेगी गार्लिक ब्रेड तो हम एक मज़ेदार सा अभी प्लेटर रेडी करेंगे एक चीज़ मिसिंग थी वो अभी मैं आगे आपको बताती हूँ लेकिन वो चीज़ें मेरे पास थी नहीं उसके अलावा मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छा सा प्लेटर रेडी करूँ तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़ चीज़ आपके पास जितनी और डालें चीज़ी सॉस जो बनता है ना उसका जो मज़ा होता है ना वही आप वो जो फील लेते हैं ना बस आपकी मेहनत वसूल हो जाती है अगर आप चीज़ लवर हैं तो अगर चीज़ नहीं पसंद आप स्किप भी कर सकते हैं आप क्रीम डाल सकते हैं लेकिन मैं तो चीज डालती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगती है तो बस जी एंड में मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें मुझे लग रहा था थोड़ी सी मैं और डाल लू और बस जी ये हो गई है डन कंसिस्टेंसी आप इसकी देख लें आपने इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना क्योंकि फिर ये जब ठंडी होती जाती है ना सॉस तो फिर ये बहुत ज्यादा थिक सी अजीब सी लगती है बहुत पतला भी नहीं रखना लेकिन ये देखें इस तरह से कंसिस्टेंसी में आपने इसको रखना है अब जी हम बना लेते हैं यहाँ पे गार्लिक ब्रेड अच्छा गार्लिक ब्रेड बहुत इजी बनती है और ये बिल्कुल इस सिंपल तरीक़ा है घर में जो है ना आप इस तरह से बटर में चीज़ें डाल दें आप लहसन पाउडर डाल दें या फ्रेश लहसन डाल दें उसका और भी अच्छा ज़रा स्ट्रांग सा टेस्ट आता है मैं तो लहसन पाउडर डाल देती हूँ उसमें वाइट मिर्च डाल दें नमक डाल दें काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं और उसके बाद जो है ना ये देखें इस तरह से आप इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का टोस्ट कर दें इससे जो है ना क्रिस्पी बहुत अच्छा आता है और उसके अलावा जो है ना टेस्ट भी कमाल का आता है ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो डन हो गई हैं और चिकन को बस मैं एंड में थोड़ा सा कलर दूंगी मैंने रख दी थी इसको ताकि एक बार दोबारा गर्म करूंगी तो ओवर कुक चिकन को कभी ना किया करें स्पेशली ये जो चेस्ट पीस होता है इससे ये होता है कि फिर ये हार्ड हो जाता है जो इसका एक सॉफ्टनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक कसर बचा के रख दिया था कि एंड में मैं इसको गर्म करके और दोबारा से इसको फिर कलर दे दूँगी तो बस जी ये ब्रेड रेडी हो गई है इसको जिस तरह दिल चाहे आप कटिंग करें आप इसको बिल्कुल लंबा लंबा फिंगर्स में भी बना सकते हैं इस तरह भी बना सकते हैं और ये देखें फ्राइज भी रेडी हो गए हैं बहुत ही हल्का सा मैंने ऑयल और बटर डाला था वो भी इसलिए कि हस्बैंड को अच्छे लगते हैं वो शौक से खाते हैं लेकिन फिर भी डीप फ्राइज से तो बहुत अच्छे होते हैं तो बस जी ये भी रेडी हो गए हैं अब उसके बाद हम प्लेटर जो है अपना रेडी कर लेते हैं चीज़ें मैंने जो बनाई थी ना मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ मिसिंग है वो थी वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी अदरवाइज ये होता है कि अगर आप वेजिटेबल्स ऐड कर दे कोई भी आपके पास हो मिक्स वेजिटेबल्स हो ब्रोकली हो कुछ भी हो तो उससे ये होता है कि एक तो देखने में प्लेटर बहुत अच्छा लगता है दूसरा ये होता है कि वो आपका एक कम्प्लीट मील हो जाता है हर फूड ग्रुप से जो है ना चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो मेरे पास अभी नहीं थी मैं मिस कर रही थी लेकिन यह है कि अचानक प्रोग्राम बना था बनाने का तो मैंने कहा कोई बात नहीं जो चीज़ें हैं उसी में इंजॉय करते हैं और प्लेटर थोड़ा सा जरा छोटा है बड़ा हो तो फिर ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन मेरे पास अभी यही अवेलेबल था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं इसी तरह से हस्बैंड को सर्व करती हूँ और उनको माशाल्लाह से बहुत बहुत पसंद आया था बहुत अच्छा लगा था अच्छा आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं हम तो दो लोग हैं ना तो हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी होता है लेकिन यह कि अगर आपके बच्चे हैं फैमिली हैं तो फिर तो और भी आपको मज़ा आएगा आप इंजॉय करेंगे आप ज़्यादा क्वान्टी में बनाएं इवन कि आप दावत में भी बना सकते हैं इस तरह की चीज़ें बहुत ईजीली बन जाती हैं साथ मैंने ऑनियन रिंग्स भी फ्राई कर लिए थे और यहाँ पे प्लेटर छोटा था मैं कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह से जो है ना मैनेज कर लूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा मैनेज हो गया था थोड़ा सा मैंने सॉस सेपरेट करके रखा था जो कि हस्बैंड इन्जॉय करेंगे उनको बहुत अच्छा लगता है थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं अल्लाह हाफिज़